इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ बिना किसी नाम का फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले राइट क्लिक कर न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। और फिर इसे रीनेम करते हैं। राइट क्लिक रीनेम और अब यहां पर माउस के कर्सर को रखकर राइट क्लिक करते हैं और फिर एनएडीएस को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद इंटर दबाते हैं। आप देख सकते हैं बिना किसी नाम का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। बिना किसी नाम का फोल्डर क्रिएट करने का दूसरा तरीका जानने के लिए सबसे पहले इस फोल्डर को डिलीट करते हैं। और फिर से राइट क्लिक कर न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं और अब इसे रिनेम करते हैं। इसका नाम टाइप करने के लिए लेफ्ट अल्ट को होल्ड कर 0160 या 255 नंबर की पैड से टाइप करते हैं। उसके बाद इंटर दबाते हैं। आप देख सकते हैं बिना किसी नाम का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। आप चाहें तो इसे डबल क्लिक कर ओपन कर सकते हैं। इसे क्लोज करते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।